बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल हूं और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर पाकिस्तान में एंटर हो चुकी है और सबसे पहले जो कोरोना की लहर एंटर हुई है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोगों पर हुई है। जितने भी रेस्टोरेंट हैं कोरोना वहां पर आया है। उसके बाद कोरोना कहाँ कहाँ आ रहा है ये तो आपको मैं बताऊँगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कोरोना कहाँ नहीं जाता। पीडीएम का जलसा हो, कोरोना वहां पर नहीं जाता। मरियम बीबी लाहौर के अंदर 50,000 लोगों को इकट्ठा करे, कोरोना वहां पर नहीं जाता। बनी गाला के अंदर मीटिंग्स हो, कोरोना वहां पर नहीं जाता। बलावल अपना बांदड़ी का खेल दिखाए सिंध के अंदर तो वहां में भी कोरोना नहीं जाते। फजलुर रहमान इस्लामाबाद पिंडी को ब्लॉक करे तो कोरोना वहां पर भी नहीं जाते। और लब्बैक वाले अगर 20, 40, 50, 100 या 1,00,000 लोग इकट्ठे कर लें कोरोना वहां पर भी नहीं जाता। अब मैं आपको बताता हूं कोरोना कहां कहां जाता है। रेस्टोरेंट में तो चला गया। 1 अप्रैल से पूरे लाहौर को बंद किया जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के जितने भी सिटीज हैं उनको भी बंद किया जाएगा। इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, जितने भी बड़े शहर हैं पाकिस्तान के उन सबको ब्लॉक किया। और ये सिचुएशन पिछले साल वाली जैसी नहीं है। पिछले साल लोगों के पास जमा पूंजी थी, उन्होंने निकाल कर खाई, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा मिडिल क्लास तबका था वो गरीब हो गया और जो गरीब है वो अदमुआ हो गया। और इसके बाद जो मिडिल क्लास है वो अदमुआ हो जाएगा और जो गरीब है वो मर जाएगा। पाकिस्तान को इसके मुतबादल दुनिया को ना कापी करें, अमेरिका को ना कापी करें, आप अरब मुल्कों को भी कापी ना। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हम कर्जों की बोझ तले हम दबे हुए हैं, बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के, हम भी समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत ज़्यादा महंगाई और हमारे जैसे लोग इस महंगाई को अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग भाई जान दे देंगे, हम कोरोना से नहीं मरेंगे। हमें हमारी नौकरियां खत्म होंगी तो हमारे घर नहीं चलेंगे, हम मर जाएंगे। पाकिस्तान में कितनी तलाकें हो रही हैं, कितने घर उजड़ गए हैं, बर्बाद हो गए। एक तो वो इंडिया की फिल्में बहुत देखते हैं, ऊपर से फिल्में देख देख के जाहिर सी बात है जिंदगी फिल्मों जैसी तो होती नहीं है, क्योंकि रियलिटी में मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है। सब्र हमारे अंदर है नहीं है, पेशेंस हम रखते नहीं है, टेक्निकल हम है नहीं है, कोई इंडस्ट्री बड़ी हमने खड़ी, जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों को हम एकदम से कैसे एक्सेप्ट करें, इनको तो मान ही नहीं सकते। हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है SOPs की। SOPs बनाएं, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाएं और आवाम को भी चाहिए कि उन SOPs पर अमल करें। वैसे मेरे नजदीक तो कोरोना के नाम की कोई चीज है ही नहीं है। खांसी, जुकाम, नजला, गले का दर्द, ये तो आम सी बीमारी है। अब आपने इस बीमारी से भी चलो कैंसर था, एड्स था, हेपेटाइटिस था, बड़ी बड़ी बीमारियां थी, वो तो चलो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनका इलाज ही नहीं करा सकते, लेकिन जो खांसी, नजला, जुकाम था, ओनिडाज़ोलिन खा के, पैरासीटामोल खा के उसको हम खत्म कर देते, वो भी आप लोगों ने कोरोना वैक्सीन के ऊपर से, यानी 8,500 रुपये की वैक्सीन लगवाने में खत्म हो, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप अपने अजीजों कारों को गले नहीं लगा सकते, आप अपनी माँ के सीने से नहीं लग सकते, भाई भाई के सीने से नहीं लग सकते, किस तरह की बीमारी आपने निकाल दी। और पूरी दुनिया में लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं कि जी मर गया मर गया मर गया मर गया। आप मुझे बताएं, मेरे सामने तो कोई नहीं मरे, मेरे जानने वाला कोई नहीं मरे, होटल इंडस्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं उनमें से कोई नहीं मरे, मैं कैसे मान लूं, कैसे यकीन कर लूं, कोई एक बंदा तो मरता क्या यार? सब होटल में काम करने वालों का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा है, मजबूत है, ऐसा नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ टोपी ड्रामा। और इस टोपी ड्रामे के खिलाफ हुकूमत के साथ एहतजाज करें। जो ये समझते हैं कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज है तो ठीक है, हुकूमत उसकी SOPs तय करे, हम उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त हम लोग लॉकडाउन को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना सिर्फ हम बल्कि हमारा मुल्क भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी इकोनॉमी पहले ही तबाह हो चुकी है, आपका डॉलर पहले ही नीचे आ चुका होगा, अभी जैसे करप्ट लोग
जिन्होंने आईएमएफ की शरायत और ये वो करके आपके मुल्क को तबाह किया, इन लोगों को सबसे पहले निकालें आप, वो नॉन इलेक्टेड लोग जो आप लोगों ने असेंबली में बैठाए। खान साहब आप बहुत ईमानदार यहाँ हैं, आपके अंदर दर्द है लोगों के, लेकिन आपकी टीम बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं आज भी आपको सपोर्ट करता हूँ और मैं हमेशा आपको सपोर्ट करता हूँ, जब तक आप और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं समझे, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन आपकी जो टीम है ये वही है गधों के थड़े चेंज किए हुए हैं, बाकी ये वही है पीपल्स पार्टी नून लीग वगैरह वगैरह। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल फिलहाल गुलजार लिखा हुआ आएगा, आप सर्च करें, आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह।